कैपिटल डिबेट में सभी साथियों का मैं छात्र राजद के उम्मीदवार के रूप में बहुत खैर मकदम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। एक ऐसे माहौल में यह चुनाव हो रहा है जब देश के अंदर संवैधानिक शक्तियों का लगातार ह्रास हो रहा है, तमाम संस्थाओं को कुचला जा रहा है, और जब केरल में विकराल रूप ले चुकी है बाढ़ और नॉर्थ ईस्ट के बहुत बड़े इलाके डूब चुके हैं, मैं उन तमाम पीड़ित परिवारों के दुख दर्द में अपनी संवेदना अपनी पार्टी की ओर से भी, संगठन की ओर से और खुद की ओर से। कैसी संवेदनहीनता है जब ऐसी बाढ़ में भी प्रधानमंत्री समेत इस देश की सरकार लगातार अपनी संवेदनहीनता को प्रदर्शित कर रही है, तब जबकि बाहर के मुल्क से राहत सामग्री के लिए पैसे भेजे जाते हैं तो उसे ठुकरा दिया जाता है, लेकिन वहां पर सरकार सिर्फ और सिर्फ 500 करोड़ भेजती है। ये कैसी बेशर्म सरकार है, जबकि पथलगढ़ी आंदोलन चलता है तो उसको कुचला जाता है, जब वहां पर लगातार आदिवासियों की जमीन हड़पने के लिए वहां के एक्ट में छेड़छाड़ की जाती है। मैं इस मंच के माध्यम से अपने पुरखों, अपने लड़काओं फूले पेरियार, अंबेडकर, जयपाल सिंह मुंडा, बिरसा, तिलका मांझी, इन तमाम पुरुषों लोहिया, जयप्रकाश करपुरी, बाबू जगदेव को नमन करता हूँ, सावित्री बाई फूले, फातिमा शेख, जिनके संघर्षों की बदौलत आज मैं आपके बीच खड़ा होकर बोल पा रहा हूँ। साथियों, बिहार लेनिन बाबू जगदेव ने कहा था, पहली पीढ़ी के लोग मारे जाएंगे, दूसरी पीढ़ी के लोग जेल जाएंगे और तीसरी पीढ़ी के लोग राज करेंगे। आज आपकी तीसरी पीढ़ी के नुमाइंदे के रूप में मैं अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए आया हूँ। साथियों, SC ST एक्ट के साथ जिस तरह से ज्यादती हुई है उसमें 2 अप्रैल को भारत बंद का आह्वान किया गया था, ये किसी पार्टी का आह्वान नहीं था, लेकिन पूरे देश के अंदर जो सामाजिक न्याय और सांप्रदायिक सौहार्द की पक्षधर पार्टियां थी इसको सफल बनाने के लिए एकजुट थी, और बिहार से यह देश का एक नया उदाहरण है कि बिहार में इस देश के सबसे यंगेस्ट नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने अपने सभी 80 विधायकों के साथ मिलकर उसको सफल बनाने का काम किया। साथियों, आज एक ऐसी सरकार है जो मेहुल चौकसी, जो नीरव मोदी, जो ललित मोदी और तमाम ऐसे आतताइयों जो इस देश के तमाम तरह के रेवेन्यू को खत्म करने का काम करते उसको भगाती है। आज पंजाब नेशनल बैंक खोखला हो चुका है और चीख चीख कर कह रहा है, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, मेरा वो कहता हूं कि जिसने पूछ की आंख देखी ही नहीं, जी ही नहीं, वो हल्कू का दर्द भला क्या जाने। छात्र राजद इसलिए खड़ा है कि उसको मालूम है कि लेफ्ट राइट की बाइनरी के बीच जिस तरह से राइट विंग की बेशर्मी और लेफ्ट विंग की हिपोक्रेसी इस कैंपस को बर्बाद करने में सबसे आगे रही है, उसके खिलाफ लड़ने की जरूरत है और एक विकल्प के रूप में हम यहाँ पर खड़े हैं। जब नजीब को दिन दहाड़े गायब कर दिया गया तो उसमें ABVP के गुंजे जितने शरीर के जुर्म थे उतने ही लेफ्ट के उस वक्त के प्रेजिडेंट जो मेरे साथी भी है उन्होंने साइन किया उस पर। जो नजीब का रूमेट था वो SL का काउंसलर था, उसका कन्वेनर भी, और उसने बोला कि इसकी मानसिक हालत स्थिर नहीं है इसलिए इसका हॉस्टल ट्रांसफर किया जाए। ये लोग फांसीवाद के खिलाफ लड़ेंगे, ये सामाजिक फांसीवाद फैलाने वाले लोग हैं। साथियों, इनकी सारी प्रगतिशीलता काफूर हो जाती है जब आरक्षण की बात आती है। पूरी दुनिया के अंदर आरक्षण से बढ़कर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं आई जिसमें इतने कम समय में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, मजलूमों, उपेक्षितों, शोषितों, लांछितों, लुंठितों की जिंदगी में इतनी असर किया हो। अरे भाई, हम वो लोग नहीं है जो हजारों साल से जिसके सिर्फ पेट पर लात मारी जाती रही है, हम वो लोग हैं जिनके दिमाग पर भी लात मारी गई है। हमारी पीढ़ी विश्वविद्यालयों की 4 दीवारी में दाखिल हुई है, तो यह सरकार UGC गेजेट नोटिफिकेशन के जरिए 83% मैसिव सीट तक करती है, जहां 970 सीटों पर दाखिले हुए थे 2016 में, वहीं पर मात्र 102 पर यह संख्या लुढ़क गई 2017 में। इसके लिए मैं पूछना चाहता हूं कौन जिम्मेदार है? ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और मैं यह नहीं कहता ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले जब ऑक्युपाई यूजीसी मूवमेंट में हम लोग शरीक थे तो हमारी महिला साथियों पर डंडे बरसाती थी स्मृति ईरानी की फौज जो भी खड़ी वहां पर। साथियों, आज आप जब मूल्यांकन करेंगे तो महिला आरक्षण के विधेयक पर
जो 1996 में यूनाइटेड फ्रंट की सरकार थी देवगौड़ा जी की, वो सबसे पहले उस बिल को लाया और वो लागू होते होते रह गया। उसके बाद उसमें जब लोगों ने मांग की, शरद यादव ने, लालू प्रसाद जैसे लोगों ने, तो उसमें क्या कहा गया, कोटे के अंदर कोटा हो, महिलाएं सारी शोषित, इस बात को हम मानते हैं, लेकिन उसमें भी सबसे शोषित कौन? हम चाहते हैं कि स्मृति ईरानी भी संसद पहुंचे, सुषमा स्वराज भी संसद पहुंचे, लेकिन हमारी यह भी ख्वाहिश है कि पत्थर तोड़ने वाली भगवतिया देवी की आवाज भी पहुंचे। उससे अनोखी आवाज जो कभी नहीं हुई, फूलन देवी भी वहां पर चिक्का रहे। ये लोग एक तरफ जहां कोटे के अंदर कोटे की लड़ाई का, संसद के अंदर भगवतिया देवी जो पत्थर तोड़ती थी, पूरे जोश खरोश के साथ उसके लिए लड़ाई लड़ रही थी, तो वहीं पर बाहर में बाइट दे रही थी वृंदा कराज साहब साहिब आके, नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। सुभाषिनी जो एमपी थी, उन्होंने कहा कि जब मंडल पर पूरे सदन के अंदर बात हो रही थी, तो शरद भाई ने एक बात कही कि अभी 15 मिनट का भाषण होगा इन लोगों का, ये कहेंगे कि सारे अधिकार दे दो वंचितों को, शोषितों को, लेकिन वो एक शब्द आएगा लेकिन, ये जो इस दो बट हाउएवर किंतु परंतु लेकिन हालांकि यद्यपि वाले लोग हैं, किसी को करने कहा जाएंगे, बहुत सोच समझ के अपने गार्जियन से लड़के मेडिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र को नहीं चुन के हमने एकेडमिक्स को चुना था, क्या इसलिए कि हमने के बाद हमको एमफिल के लिए गलगोटिया यूनिवर्सिटी जाना पड़े? शिक्षा व्यवस्था का कंप्लीट गलगोटियाइजेशन, लवलियाइजेशन, लवलियाइजेशन, नागरियाइजेशन और सोकाइजेशन करके नरेंद्र मोदी ने किया, हमको इसके खिलाफ लड़ने की जरूरत है। साथियों, ये लोग आजकल 13 पॉइंट का रोस्टर लाए हैं, मतलब पीएचडी करने के बाद आप कहीं पर फोटो स्टेट की दुकान खोल लें, आप प्रोफेसर नहीं बनने पाए। जो पहले बहुत लड़के 200 पॉइंट का रोस्टर हम लोगों ने लाया था, उसमें सारे वर्ग के लोगों को नौकरी मिल सकती थी, लेकिन 12 पॉइंट रोस्टर की साजिश को आप जानते हैं, उसमें एक साथ पहले यूनिवर्सिटी और क्लबिंग ऑफ कॉलेजेस के तहत यूनिट बनाया जाता था, आज सेंटर और डिपार्टमेंट को यूनिट बनाया गया है, जिसमें एक साथ 4 पोस्ट एडवर्टाइज नहीं होगी तो कोई ओबीसी पसमानदा आदमी नहीं आ पाएगा, 7 सीटें विद्यापीठ में होगी कोई दलित नहीं आ पाएगा, और 14 सीटें एडवर्टाइज नहीं होगी कोई आदिवासी नहीं आ पाएगा। इनके तो इमेजिनेशन में आदिवासी है ही नहीं, इसलिए 13 पॉइंट पर इन्होंने रोक दिया। डिजिटल इंडिया, वह है डिजिटल इंडिया जहां डेटा सस्ता हो रहा है और आटा महंगा हो रहा है। हमको स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए मोदी जी, हमको स्मार्ट गांव चाहिए। गांव ज्यादा हमारे साथी ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं कि जेएनयू जैसी वन ऑफ द मोस्ट टेम्पर्ड यूनिवर्सिटीज नहीं होती तो वो दिल्ली में नॉर्थ गेट के बाहर सरवाइव नहीं कर पड़ते, अपने सपनों में वो रंग नहीं भर सकते थे। हमने खेतों में पानी पटा कर यहां तक का जेएनयू का सफर तय किया है। आप हमको हमारी नहीं कहेंगे, हमारा मोटो ये छात्र राजन का डीएसएस, डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म एंड सोशल जस्टिस, और इसके खिलाफ सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ पूरे देश के अंदर जो जहर था, जो विषैला दांत था आडवाणी का, उसको उनको समस्तीपुर में पूरी इज्जत के साथ गिरफ्तार करके वहीं पर जब गौबरी को ढाने जा रहे थे ये लोग, तो उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह जी ने कार सेवकों पर गोलियां चलवाकर इस देश के माइनॉरिटी का सिटीजन सीट में दरक रहे भरोसे को रिस्टोर करने का काम किया। ये होती है डेमोक्रेसी, ये होता है सेकुलरिज्म। और मैं यह भी दोहरा हूं आपके सामने कि धर्म निरपेक्षता की माने यह नहीं है कि हम मंदिरों को तोड़ दें, हम मस्जिदों को जला दें, हम गिरजों को गिरा दें, हम गुरुद्वारों को उठा दें। धर्म निरपेक्षता का मतलब संविधान की प्रस्तावना में पूरी तरह से साफ है कि भारत के हर नागरिक को धर्म और उपासना की स्वतंत्रता होगी। लेकिन ये कैसा धर्म है जो आपको लगातार मॉब लिंचिंग के लिए बाध्य करता है? अखलाक का क्या गुनाह था, पहलो खान का क्या गुनाह था? इसी के ऊपर से संजय कुमार जो सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोशल सिस्टम के छात्र थे, जेएनयू के हमारे वो उनका मोतिहारी में मॉब लिंचिंग कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने पास की एक कविता लिखी थी। आपको मालूम है किस देश में किस तरह का खेल चल रहा है? हमारे कैंपस में, हमारे इसी कैंपस में जिस तरह से
पूरे दुनिया के अंदर जब फासीवाद के खिलाफ लड़ाई होती है तो जब ट्रंप का चुनाव आता है तो ये लोग हवन करते हैं, इनको हाई हो रहा है जहां, जबकि यहां पर हॉस्टल्स प्राप्त से पर्याप्त संख्या में नहीं है, जबकि यहां पर आपको 50% क्रैश क्वालिफाइंग मार्क्स कर दिया गया है, हम लोग 30 से नॉट मोर देन 15 मार्क्स कराने की लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन ये लोग 100% वाइवा करा दिया। ये कैसे लड़ रहे हैं? कभी भी जेएनयू में जब फाइन होता था तो उसको बेज ऑफ ऑनर की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता था, लोग छुपाते थे कि हम फाइन भर दिए। ये लोग बोलते हैं ये लेफ्ट वाले हमने 20,000 फाइन भरा। अरे भाई तुम कैसे लड़ाई लड़ रहे थे? इस मंच के माध्यम से आप सभी साथियों से अपील करता हूं कि गांधी ने अगर कहा था कि करो या मरो तो लालू प्रसाद ने नारा दिया था पढ़ो या मरो। हमको यहाँ पर तमाम तरह से जिस तरह से फंड कट हो रहे हैं, हमारी लाइब्रेरी का नाम अम्बेडकर के नाम पर रख दिया लेकिन बहुजन नायकों के की जितनी भी कृतियां हैं वहां पर नहीं मौजूद है। जब भी कोई चुनाव आता है ये लोग कहते हैं पाकिस्तान चले जाओ। राही मासूम रजा का एक वर्क है, उसने एक दो संवाद है, बोला कि भाई तू पाकिस्तान चला जा। बोले साहिबे कहे जाएंगे? अरे भाई हमारा घर गाजीपुर है, हम गाजीपुर से लखनऊ तो इस जन्म में गए नहीं तो पाकिस्तान हम लोग। गमला को ये मुनीर का विलेज तक पहुंचाने जा रहे हैं। उसी एडवेंचर ऑफ आइडियाज की हमारे स्पिरिट को ये चकनाचूर करने का काम कर रहे हैं, लेकिन हम कभी भी हिलने वाले नहीं हैं। अरे और एबीवीपी के लोगों, आप तो ये गाना बजवा रहे हो कि डीजे वाले बाबू जरा गाना बजा दो। अरे झोला वाला मोदी जी जरा स्पीकर दे दो। जब आप जब करते हुए छात्र राजस्व उम्मीदवार के रूप में प्लीज योर टाइम।